पूरे देश की तरह ग्वालियर में भी ईद उल जुहा का त्यौहार सांप्रदायिक सद्भाव से मनाया गया। शहर और ग्रामीण इलाकों में स्थित ईदगाह एवं प्रमुख मस्जिदों पर ईद उल जुहा की विशेष नमाज अदा की गई। ईद के मुबारक मौके पर आप देख सकते हैं कि ग्वालियर शहर के जो तमाम इबादतगाह हैं, जो मस्जिद हैं और जहां पर दरगाह हैं, वहां पर ईद की नमाज अदा हो रही है। और यहां पर जो देख सकते हैं कि मुस्लिम भाई ईद की नमाज अदा करने के लिए आए हुए हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और बड़े भी हैं, ये आज ईद की नमाज को अदा कर रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं ये मोती महल मस्जिद है, जो मोती मस्जिद जिसको कहते हैं, ये ग्वालियर शहर की सबसे पुरानी मस्जिद है। यहाँ पर बड़ी संख्या में आसपास के लोग आते हैं और यहाँ पर इबादत करते हैं खुदा की। और अब देख सकते हैं कि जो नवाज है वो लगभग लगभग पूरी हो गई है। अब खैरात जो है बटने का समय आ गया है और जो लोग नवाज अदा करने आए हैं वो अपने जो भी अपनी शिद्दत के साथ जो भी दान देना चाहते हैं वो दान देंगे। और जो नवाज है उसमें पूरी तरीके से देश की खुशहाली, अमन चारा, भाईचारा बनाए रखने की दुआएं मांगी गई हैं। और साथ ही ग्वालियर में जिस तरह से अभी तक बारिश नहीं हुई है तो बारिश के लिए भी दुआएं मांगी गई हैं। इस तरह से दुआएं मांगी गई हैं, काफी खुशनुमा माहौल में नवाज अदा की गई है। सभी लोग बैठे हैं, जहां एक तरफ मुस्लिम भाई नवाज अदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाहर जो हिंदू भाई हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब नवाज खत्म हो और कब अपने मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे पाएं, ईद की शुभकामनाएं दे पाएं। इसके साथ ही जो पुलिस प्रशासन है उसने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, ताकि यहाँ जो इलाका है उसमें ट्रैफिक को बंद कर दिया है। हर तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि जो नवाजी भाई हैं उनको किसी तरह से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, इसको भी पूरी तरह से मद्देनजर रखा गया है। पानी की व्यवस्था की गई और बाहर भी लोग मौजूद हैं और जनप्रतिनिधि से लेकर इस इलाके के जो राजनेता हैं वो भी अपने भाइयों के मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। तो खुशनुमार माहौल में आज ग्वालियर में ईद की नमाज अदा की गई। विभिन्न जो मस्जिद हैं, जो विभिन्न दरगाह हैं, वहां पर विशेष इंतजाम किए गए थे। इस इंतजाम के बीच में ईद की नमाज अदा की गई। कैमरामैन विजय आगे के साथ ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा।